ठीक है, क्या था, सिरेमिक वाज जस्ट मेड ऑफ क्ले, ठीक है, जो कि है केवल, जबकि पोर्सलिन में हम क्ले के अंदर दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जो कि होती है फेल्सपार और सिलिका। अब क्यों ऐड करते हैं? फेल्सपार इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो बाइंडिंग कराएगा, ठीक है, क्ले की। सेकेंडली वो हम क्ले का कंटेंट कम कर देंगे ताकि ब्रिटलनेस उसकी कम हो जाए। और तीसरी चीज है, हम सिलिका इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ आएगी मटेरियल के अंदर हमारी। अच्छा, अगर कोई भी पिछले लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सही है। अच्छा, आज का लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले थे फायरिंग जो कि होती थी कॉम्पैक्शन के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ जो लास्ट टाइम हमने किया था उसका। ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन मेनली उसकी कि क्या क्या होता है पोर्सिलिन के अंदर। तो उसमें था केओलिन जो कि क्ले था, विच इज हाइड्रेटेड एल्युमिनो सिलिकेट। उसके अलावा इसके अंदर सिलिका था दूसरी चीज, तीसरी चीज इसके अंदर फेल्सपार था। फेल्सपार इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था क्योंकि ये मिक्सचर होता है पोटेशियम और सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट का और ये लोएस्ट फ्यूजिंग कंपोनेंट है। अच्छा, ये मेल्ट करता है, फ्लो करता है ड्यूरिंग फायरिंग, और इसकी वजह से क्या होता है, सारी चीजें आपस में यूनाइट होती हैं, बेसिकली एक सॉलिड मास बनाने में ये हेल्प करेगा। तो ये एज अ बाइंडर, तो उसी तरह से ये एक्ट कर रहा है एज अ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स वो चीज होती है जो ओवरऑल टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। तो ये फेल्सपार है, हमारा जो फायरिंग टेम्परेचर है उसको कम करने में भी हेल्प करता है क्योंकि बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका टेम्परेचर फ्यूज करने का बहुत हाई है, इसलिए हम इसमें फेल्सपार डालते हैं ताकि वो लो टेम्परेचर पे फ्यूज हो जाए। क्योंकि जो हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं पोर्सलिन वो होते हैं लो फ्यूजिंग, जो मैंने पहले ही बताया था कि डेंटल पोर्सलिन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हाई फ्यूजिंग, होता है लो फ्यूजिंग। हमारे पास जो यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में मेजोरिटी वो होते हैं लो फ्यूजिंग। लो फ्यूजिंग जो होते हैं उनका टेम्परेचर होता है 850 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो लो फ्यूजिंग वाले जो हैं वो हम यूज करते हैं। तो फेल्सपार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक तरह से हमारी बाइंडिंग में भी हेल्प कर रहा है और दूसरी तरह से ये टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है। जितना कम होगा उतना बेहतर इसकी बाइंडिंग होगी क्योंकि पोर्सलिन जो है बेसिकली वो हीट का पुअर कंडक्टर है, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो उसकी बाइंडिंग में इशू है। जब हम हीट इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको बाइंडिंग में इशू आ रहा है, तो इसीलिए हम इसमें फेल्सपार डाल रहे हैं ताकि ये बाइंडिंग इसकी बेहतर हो सके। ये फेल्सपार जो है वो मेल्ट हो जाता है और आपस में सारी चीजों को बाइंडने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसकी कॉम्पोजिशन में पढ़ी थी कि फर्दर रिडक्शन अगर हमने करनी फ्यूजन टेम्परेचर की तो उसके लिए हम बोरैक्स की हेल्प लेते हैं। बोरैक्स हम कर देते हैं तो वो फेल्सपार का जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो और लोअर डाउन कर देता है। उसके अलावा हमने मेटल ऑक्साइड्स डाल दी है। मेटल ऑक्साइड्स पिगमेंट्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली ओपेलिसेंस करवा रहे थे जो मैंने बताया था। ओपेलिसेंस से क्या होगा, हम डिफरेंट शेड्स ले सकते हैं, तभी पोर्सलिन डिफरेंट शेड्स में हमारे पास अवेलेबल है। कुछ में कम मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी कि फेल्सपैथिक पोर्सलिन क्या है, जिसमें भी हमारा केओलिन का कंटेंट कम होगा फेल्सपार का कंटेंट ज्यादा होगा, वो होता है फेल्सपैथिक पोर्सलिन। और फेल्सपैथिक पोर्सलिन क्योंकि उसमें फेल्सपार का कंटेंट ज्यादा है तो वो ज्यादा ओपेलिसेंट भी होता है, ठीक है। और फेल्सपार क्या करा रहा है, वो ट्रांसलूसेंसी भी दे रहा है आपको, तो वो ओपेलिसेंस करवा रहा है, तो मैचिंग में हेल्प करेगा नेचुरल टूथ की क्यों वो ट्रांसलूसेंसी दे रहा है। हमारे जो ओरिजिनली केओलिन था जो कि सिरेमिक था, सिरेमिक वॉज ओपेक और हमें उसमें ट्रांसलूसेंसी लानी है, तो इसलिए हम उसमें ऐड कर रहे हैं फेल्सपार एंड सिलिका, दोनों जो है वो हेल्प कर रहे हैं ट्रांसलूसेंसी में शेड्स लाने में, ताकि नेचुरल टूथ से जितना क्लोज होगा उतना अच्छी तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा हमने बात की थी कि यूरेनियम के कंपाउंड पहले इसमें डाले जाते थे, अब नहीं डालते क्योंकि इट इज नॉट, इट इज हेल्थ के लिए हमारे बुरा है। और यूरेनियम जो है वैसे भी बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो उसको हम ना यूज करें तो बेहतर है। ओके, ओपेलिसेंस की बात की थी कि कैसे होती है, लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट होता है, डिफरेंट शेड्स आते हैं, मेटल ऑक्साइड्स की प्रेजेंस की वजह से होता है।
ठीक है. अच्छा, एब्सेंस ऑफ क्ले की हमने बात की थी कि जहां पे भी क्ले नहीं होता फेल्सपार बढ़ा हुआ होगा, ट्रांसलूसेंसी बेहतर होती है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम डेंटल पोर्सलींस को डेंटल ग्लासेस भी कह सकते हैं. उन डेंटल पोर्सलींस जिसके अंदर फेल्सपार का कंटेंट इंक्रीज हुआ हुआ हो और केओलिन का कंटेंट डिक्रीज हुआ हुआ हो उनको हम डेंटल ग्लासेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलूसेंसी बहुत ज्यादा है, ग्लास के अंदर ट्रांसलूसेंसी होती है, इसलिए हम डेंटल ग्लासेस कह सकते हैं. अच्छा, फिर हम आ गए थे मैनिपुलेशन पे. अभी तक हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं जो हमने पिछली दफा किया था, ठीक है, ताकि तुम लोगों को याद आ जाए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं. सही है. तो मैनिपुलेशन में हमने बात की थी कि क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं और उसका एक फ्यूज्ड फॉर्म का जो मिक्सचर बनता है उसको कहते हैं फ्रिट. तो फ्रिट की टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी, इंट्रोड्यूस की थी. उसके अलावा मैंने ये बताया था जब फ्रिट जब बन गया उसके बाद हमने इसको ठंडा पानी में डाला, इसको कूल डाउन किया और उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लिया. अब जो फाइन ग्रेनी पाउडर हमारे पास आ गया ये रेडी फॉर यूज है. यही पाउडर हमें मैन्युफैक्चरर साशे में फिल करके भेजता है या बॉक्सेस में डाल के हमें सिरेमिक पोर्सलिन के लिए भेजता है. अच्छा, हुआ क्या है कि बेसिकली इसके अंदर फ्यूजन हो चुका है, ठीक है, सारी चीजें, क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर इसको मिक्स किया गया उसके बाद इसको फ्यूज किया गया है, तो फ्यूजन प्रोसेस तो टेक प्लेस हो गई है. तो फ्लक्स ने रिएक्ट किया है सिलिका के साथ और केओलिन के साथ, कंबाइन कर लिया है और एक सॉलिड मास फॉर्म किया था जिसको हमने फर्दर ग्राइंड करके पाउडर बना दिया था, और यही पाउडर हम बाद में यूज करते हैं जो हमारी लैब्स में यूज होता है. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इसमें फर्दर कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता, यही रिएक्शन दोबारा होता है जब हम उसको सिंटरिंग के लिए या उसको हम फायरिंग के लिए रखते हैं हमारे पोर्सलिन के फर्नेस में, तो यही रिएक्शन दोबारा से होता है. ये रीमेल्ट होगा और फ्लक्स दोबारा से बाइंड करेंगे और सारे कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है, बट जो रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है वो ही कंटिन्यू होता है. ओके, ग्लेस क्या था? ग्लेस लो फ्यूजिंग ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि हम ऊपर अप्लाई करते हैं. एक तो वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देगा, दूसरा वो शाइन प्रोवाइड करता है, तीसरा अगर कोई भी हमारी अनइवननेस है तो वो उसको कवर कर लेता है और बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस शो होता है, ठीक है. अच्छा, बाइंडर डालते हैं इसके अंदर. बाइंडर होते हैं शुगर या स्टार्च, कभी होते हैं कभी नहीं होते, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बाइंडिंग के लिए हम डालते हैं. अच्छा, जब पोर्सलिन पाउडर हमारे पास आ गया हम इसको पानी में मिक्स करेंगे. पानी में मिक्स करने के बाद हमारे पास एक वर्केबल मास बन गया. अब इसको हमने मोल्ड में डालना होता है और उसको यूज करना होता है. मोल्ड में डालने से पहले हम कॉम्पैक्शन का स्टेप करते हैं. कॉम्पैक्शन का स्टेप मैंने बताया था. कॉम्पैक्शन का स्टेप ये होता है कि प्लैटिनम का फॉइल लेते हैं और उसके अंदर ये सारा जो हमारा मास बना केवल मास वाटर मिक्स्ड विद पोर्सलिन पाउडर वो हमने उसके अंदर डाला और उसको हमने प्रेस किया, कॉम्पैक्ट किया. जब हम प्रेस करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, तो होता ये है कि जो हमारा पाउडर था वो आपस में एक साथ उसमें से एक्स्ट्रा जो स्पेसेस थी पार्टिकल्स के बीच में वो खत्म हो जाती हैं और वो आपस में करीब आ जाते हैं, ठीक है. तो उससे क्या होगा, वो इसे रिड्यूस हो जाएगी अगर जगह, तो श्रिंकेज कम होगी. जब हम उसे फर्दर मोल्ड में डाल के फायरिंग करवाएंगे तो उसकी श्रिंकेज रिड्यूस होगी. दूसरा स्टेप हमने कॉम्पैक्शन में क्या करना था कि एक तो हमने प्लैटिनम फॉइल में डालकर उसको प्रेस कर लिया तो आपस में पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर है. दूसरे स्टेप में अब हमने जिस मोल्ड को बनाना है, जो हमारा मोल्ड था, ठीक है, हमने उसके अंदर डाला और उसको हमने पाउडर और लिक्विड हमारा डल गया उसके अंदर, हम उसे हल्का सा टैप करेंगे या वाइब्रेट करेंगे, राइट. वाइब्रेट करने से क्या होगा, ऊपर आ जाएगा हमारा सारा एक्सेस वाटर. कुछ वाटर रिक्वायर्ड था मिक्सिंग के लिए, कुछ हमारे एक्स्ट्रा भी डल गया, हमने कोई मेजर्ड क्वांटिटी नहीं डाली, तो जो एक्स्ट्रा वाटर डाला है वो ऊपर सरफेस पे आ गया और वो हमने एब्जॉर्बेंट पेपर से एब्जॉर्ब कर लिया. ओके, अब एक वेल कॉम्पैक्टेड फ्राउंड का फायदा क्या होगा, कॉम्पैक्शन हम क्यों कर रहे हैं, दो वजहों से. नंबर वन, फायरिंग श्रिंकेज रिड्यूस हो रही है, क्योंकि जब हम फॉइल में प्रेस कर रहे हैं फिर हम वाइब्रेटर की हेल्प से सारा पानी निकाल रहे हैं, इससे हमारी श्रिंकेज जो है वो कम हो जाएगी और दूसरी चीज वो अपना रेगुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उसकी हो सकेगी. तो जितने हम लोग कॉम्पैक्शन अच्छे करेंगे फायरिंग से पहले उतनी अच्छी है. अब बात कर रहे हैं हम फायरिंग की, जो कि हमारा मेन प्रोसेस है जिससे हमारा फाइनली पोर्सलिन का क्राउन, इनले, ब्रिज जो भी हमने बनाना है वो बन के हमारे सामने आएगा. तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक, ठीक है, फायरिंग.
पोर्सलिन फर्नेस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रिकली हीटेड मफल, ठीक है, दूसरा होता है पायरोमीटर जो कि इंडिकेट करता है टेम्परेचर को. सबसे पहले मैं दिखा दूं कि पोर्सलिन फर्नेस दिखता कैसे है, ठीक है. तो ये है हमारा पोर्सलिन फर्नेस, ठीक है. पोर्सलिन फर्नेस के अंदर ये देख रहे हो इलेक्ट्रिकली हीटेड मफल, अभी साइडों पे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है ना, यूजुअली साइड्स पे होती है. तो ये यहाँ पे हमारा पोर्सलिन का फर्नेस आ गया, ये है इसका इलेक्ट्रिकली हीटेड मफल जो साइड्स पे है, ठीक है. अच्छा पायरोमीटर क्या है? ये है ये पार्ट जो एक्चुअली टेम्परेचर बताता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है. जो हमारे मफल हीट हो गए हैं उसका टेम्परेचर क्या है, मतलब हमारे पोर्सलिन को कितनी हीट प्रोवाइड हो रही है, तो वो इस पायरोमीटर से पता चलता है. पायरोमीटर इज यूज फॉर इंडिकेटिंग टेम्परेचर, ठीक है. ये दो पार्ट्स थे इसके पोर्सलिन फर्नेस के. अब जो मॉडर्न फर्नेसेस होते हैं वो फायरिंग करवाते हैं अंडर वैक्यूम, ठीक है. अब अंडर वैक्यूम फायरिंग कराने का फायदा ये होगा कि जो हमारी श्रिंकेज है वो और कम हो जाएगी, श्रिंकेज और कम हो जाएगी और हमारी पोरोसिटीज जो आ रही हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी. वैसे अगर हम नॉर्मल फायरिंग कराएंगे हमारे नॉर्मल पोर्सलिन फर्नेसेस में तो उससे ये होता है कि हमारे जो पोरोसिटीज होती हैं वो 4.6% होती हैं. अगर हम वैक्यूम के अंदर कराएंगे, वैक्यूम एनवायरनमेंट में कराएंगे तो वो रिड्यूस हो जाती है 2.5%. तो जितनी कम पोरोसिटी होगी उतना अच्छा है, उतनी कम श्रिंकेज होगी. जितनी ज्यादा पोरोसिटी होगी उतनी ज्यादा श्रिंकेज होगी. तो इट इज एडवाइजेबल कि हम पोरोसिटीज कम करें तो वैक्यूम में करना इज बेटर, बेनिफिशियल फॉर अस. अच्छा हमने फर्नेस के अंदर रख दिया मोल्ड के अंदर डाल के, ठीक है. अब फ्रेशली कॉम्पैक्टेड मटेरियल को हम एकदम से अंदर नहीं रखेंगे. क्यों नहीं रखेंगे? इसके दो रीजन है. नंबर वन, एक तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. पोर्सलिन मैंने बताया था ना ब्रिटल मटेरियल है, एक से टेम्परेचर चेंजेस, जैसे ग्लास है हमारा, ठीक है. हम एग्जांपल लेते हैं ग्लास का, ग्लास हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है, राइट. अगर हम ग्लास को एकदम फ्रीजर से निकाल के इसको डायरेक्ट चूल्हे के पास रखोगे तो क्या होगा? ग्लास में क्रैक्स आ जाएंगे, ग्लास ब्रेक हो जाएगा, राइट. इसी तरह पोर्सलिन है, पोर्सलिन को हमने अगर फर्नेस के अंदर रखना है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है 850 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो हम उसे थोड़ी देर के लिए उसे वार्म एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे, मतलब एक फर्नेस के करीब छोड़ देंगे ताकि वो थोड़ा वार्म हो जाए ओवरऑल. उसके बाद हम उसे उठा के अंदर रखेंगे. ऐसे नहीं कि हम उसे फॉरन से उठा के अंदर रखें. अगर हमने उसे फॉरन से उठा के रखा तो वो क्रम्बल हो सकता है, मतलब कि उसका सारा पानी जो है उसके अंदर जो पाउडर के साथ पानी डाला था वो एकदम से इवेपोरेट हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है, और उसकी वजह से क्रम्बलिंग हो सकती है या फिर एकदम से एक्सप्लोजन भी हो सकता है. तो हमें उसको पहले थोड़ा सा वार्म करना है, उसके बाद उसे फर्नेस में रखना है. ये नहीं कि एकदम से हमने बस वाइब्रेट किया फौरन उठा के फर्नेस में रख दिया. इसे आहिस्ता आहिस्ता करना है, स्लोली प्रोसेस करना है. पोर्सलिन बहुत ही ब्रिटल मटीरियल है इसलिए हमने ख्याल रखना है. और सेकेंडली ये जो है हीट को इतना अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. ये मेटल नहीं है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का. इसलिए हम इसे स्लोली स्लोली, अगर हम इसे कूल भी करेंगे तो भी स्लोली करेंगे, अगर हम इसे अब फायरिंग के लिए वार्म टेम्परेचर में भी लेके जाएंगे तो हम इसे स्लोली करेंगे, ठीक है. क्लियर है ये वाली स्लाइड? आगे बढ़ो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अभी मैंने इंट्रोडक्शन ही बताया फायरिंग का, कि फायर पोर्सलिन का फर्नेस कैसे दिखता है, पोर्सलिन के फर्नेस के क्या होते हैं. अगर हम उसे वैक्यूम एनवायरनमेंट में करेंगे तो पोरोसिटीज कम हो जाएंगी, 4.6% होती है नॉर्मली, तो वो हो जाएगी 0.5%, विच इज मोर प्रेफरेबल. तीसरी चीज मैंने ये बोली कि कॉम्पैक्टेड मटेरियल जो फ्रेशली कॉम्पैक्टेड है उसको हम एकदम से उठा के फर्नेस में नहीं रखेंगे, उसको पहले वार्म होने दो थोड़ी देर, उसके बाद उसे फर्नेस में रखो, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हमारे पोर्सलिन जो है वो क्रम्बल कर सकता है और उसके अलावा उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो, कोई चीज क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हो, वरना मैं आगे चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, ये तो पोर्सलिन फर्नेस मैंने दिखा दिया था. ओके, नेक्स्ट स्लाइड है फायरिंग की, ठीक है. फायरिंग तो एलिवेटेड टेम्परेचर पे फायरिंग होगी ऑब्वियसली, मैंने बताया था. लो फ्यूजिंग अगर हमारे पास है पोर्सलिन तो भी 850 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और हाई फ्यूजिंग तो हमारा उससे भी ज्यादा टेम्परेचर है. तो एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या होगा कि हमने इसके अंदर पोर्सलिन के, फॉर एग्जाम्पल हमारे इस पोर्सलिन पाउडर में डाला हुआ है स्टार्च और शुगर जो कि एज अ बाइंडर, राइट. हमने स्टार्च और शुगर डाली हुई है,
तो जब हम उसे हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या होगा, स्टार्च शुगर को अगर हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो नॉर्मली वो कैरेमलाइज हो जाता है राइट, और थोड़ी देर बाद वो बर्न होने लगता है। तो इसी तरह ना यहाँ पे भी जो स्टार्च और शुगर प्रेजेंट है हमारे पोर्सलिन पाउडर में और जो कि वाटर के साथ मिक्स हुआ हुआ है, उसका स्टार्च और शुगर जो बाइंडर है वो इग्नाइट करेगा, ठीक है, और सरफेस जो होगा ना पोर्सलिन का वो ब्लैकन हो जाएगा। ऑब्वियसली वो ब्लैकनिंग करेगा, उसकी कलर चेंज कर देगा उसका, और वो पूरा जलना शुरू हो जाएगा। अब इस टाइम पे अगर हमारे फर्नेस का दरवाजा जो हमारा डोर है अगर बंद होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक चीज बर्न हो रही है और हम ऑलरेडी उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कंबशन होने के चांसेस है, कंबशन इज फटने के चांसेस है, हमारा फर्नेस फट सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पोर्सलिन में शुगर या स्टार्च बाइंडर डला हुआ है तो हम उसको पहले डोर को थोड़ा सा ओपन रखेंगे, जितना वो बर्न होना है वो होने देंगे, और उसके बाद जब वो ये कंबशन के प्रोडक्ट्स मतलब उसके जो वो जो जलने का वो जो इसके कंबशन है वो निकल जाएगा फर्नेस में से बाहर और ब्लैकनिंग नहीं कराएगा, उसके बाद हम डोर को बंद करेंगे। अगर हम डोर बंद रखेंगे तो उसमें ब्लैकनिंग इफेक्ट आएगा, अगर हम डोर खुला रखेंगे कंबशन प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे तो वो ब्लैकनिंग इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओवरऑल एक हल्का सा ब्लैकिश टिंट आएगा बट नॉट अ पूरा, हमारा सर्फेस ब्लैक नहीं हो जाएगा, जो फर्दर हम बाद में साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने किस चीज का ख्याल रखना है अब यहाँ पे, कि अगर बाइंडर डला हुआ है दैट इज शुगर और स्टार्च, तो हम उसको पहले बर्न होने देंगे और उस टाइम पे हमने अपने पोर्सलिन फर्नेस का डोर थोड़ा सा ओपन रखना है ताकि जो बर्न हो रहा है वो सब बाहर निकल जाए, वहीं पे नहीं रहे, क्योंकि अगर डोर बंद होगा तो वो चीज हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हो जाएगी, वहां पे एक्सप्लोजन करा सकता है विच इज बैड। ओके, हमने जब क्लोज कर लिया और फायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो जब हमारी फायरिंग हो रही है तो श्रिंकेज होती है राइट, जो मैं हमने पहले ही बात की थी कि श्रिंकेज हो रही है, श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसीलिए कॉम्पैक्शन का स्टेप कर रहे थे। तो श्रिंकेज थोड़ी बहुत तो होती है, ठीक है, नॉर्मल होती है, बट एक्सेसिव अमाउंट की श्रिंकेज में नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट की श्रिंकेज क्या करेगी, हमारे पूरा शेप ही चेंज कर देगी, क्योंकि हम तो जो प्रोस्थेसिस बना रहे हैं या जो हम इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन बना रहे हैं वो फिट होनी चाहिए, जो हमने मोल्ड के हिसाब से होनी चाहिए, ये नहीं हो कि वो बहुत ज्यादा वेरिएबल हो साइज में। तो इस स्टेप को हमने अवॉइड करना है, ठीक है, कि कम से कम श्रिंकेज हो, ज्यादा श्रिंकेज ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है कि फायरिंग में अगर हमारे पोर्सलिन पाउडर में स्टार्च और बाइंडर डला हुआ है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, उससे ब्लैकनिंग इफेक्ट आ सकता है, सेकेंडली एक्सप्लोजन हो सकता है, तो हम सर डोर ओपन रखेंगे और फिर हम डोर क्लोज जब कर देंगे तो हम बाकी फायरिंग का प्रोसीजर कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने अभी बताया है। और दूसरा मैं श्रिंकेज को कम करने का एक और तरीका बताऊंगी। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पोर्सलिन में दो चीजें थी, एक तो जो डिसएडवांटेजेस थे जो हमने ओवरकम करने, एक तो प्रोसेसिंग के दौरान श्रिंकेज थी, ठीक है, दूसरी चीज हमारी क्या थी, उसकी ब्रिटलनेस थी। तो ब्रिटलनेस के लिए भी अभी मैं आगे बताऊंगी कि हम क्या क्या ऐड करते हैं, बट अभी सबसे पहले तो प्रोसीजर में हम फायरिंग श्रिंकेज कैसे अवॉइड करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो बताओ। आई थिंक सबको सब क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। अभी भी अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन है, बहुत सिंपल अभी तक बिल्कुल स्लो चल रही है ताकि तुम लोगों को क्लियर आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं फिर। अच्छा, अगर हमें कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन एडिशन यूजुअली होता है कि अगर हमें लगे कि हमारी श्रिंकेज की वजह से हमारा थोड़ा जो कंटेंट है डाला है पोर्सलिन और वाटर का कम है, तो हम इस स्टेज पे दो और पोर्सलिन ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है, ग्लेज करने से पहले, ठीक है, ताकि हमारी फायरिंग खत्म होने से पहले हमें जितना पोर्सलिन ऐड करना है हम करके फायरिंग कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। फायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ग्लेजिंग का, ठीक है। ग्लेजिंग के स्टेप के लिए क्या लेते हैं, लो फ्यूजिंग ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ग्लेज करने के लिए हम लेते हैं लो फ्यूजिंग ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसका और उसको हम पूरे सरफेस पे फ्लो कराते हैं,
उससे क्या होगा कि हमारे अगर कोई भी किस्म की इरेगुलरिटीज होती है वो खत्म हो जाती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इससे फायदा ये होगा कि हमारा एक स्मूथ और शाइनी सरफेस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ तक समझ आ गया। और ये मैंने पहले बताया था कि प्रोसेस ऑफ हीटिंग या कूलिंग ऑफ पोर्सलिन शुड बी कैरिड आउट स्लोली। क्यों? क्योंकि पोर्सलिन जो है पुअर कंडक्टर है हीट का और ब्रिटल भी है, तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट कर सकता है। इसलिए जब हम कूल भी करेंगे तो उसको स्लोली करेंगे, मतलब हमारी फायरिंग हो गई, हमने सब कुछ बना लिया, राइट। तो हमने उसको कूल डाउन करना है तो भी उसको स्लोली कूल डाउन करना है, ऐसे नहीं कि एकदम से निकाल के बिल्कुल ठंडी में। पहले उसको फर्नेस को बंद कर देंगे, उसको उसी में रहने देंगे। जब फर्नेस बंद करेगा, आहिस्ता आहिस्ता हीट बिल्कुल वार्म टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर हम उसे बाहर निकालेंगे एनवायरमेंट में। एकदम से उसको फर्नेस से बाहर निकाल के नॉर्मल एनवायरमेंट में नहीं रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इसमें ब्रिटलनेस होगी, और ब्रिटलनेस की वजह से क्या होगा, क्रैक्स बन जाएंगे, क्रैकिंग होगी। फिर कूलिंग की वजह से इसमें क्या होगा, क्रैकिंग होगी। क्रैकिंग की वजह से स्ट्रेंथ कम होगी, और स्ट्रेंथ कम होगी मतलब हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो रही हैं। तो हमें ये चीज अवॉइड करनी है। ये जो मैंने पहले बोली थी, जब हम उसको फर्नेस के अंदर रख रहे हैं तब भी हम ख्याल करेंगे, और जब हम उसे फर्नेस से बाहर निकाल रहे हैं तो भी हम ख्याल रखेंगे कि एकदम से टेम्परेचर चेंज ना। पोर्सलिन बहुत ही ब्रिटल मटीरियल है और इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हमने इस बात का ख्याल रखना है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, पूछ सकते हो, मैं आंसर करूंगी, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं अगर कोई चीज नहीं क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक तो बिल्कुल सिंपल चल रहा है हमारा फायरिंग का प्रोसीजर, ओके। अब एक और तरीका है जिससे हमारा एक्यूरेसी ऑफ फिट मेंटेन हो सकता है। एक्यूरेसी ऑफ फिट क्यों मेंटेन नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया था जब हम फायरिंग करते हैं तो हमारे जो हमारा पोर्सलिन है उसके अंदर होती है फायर श्रिंकेज, और ये श्रिंकेज जो है वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस होती है। एक सेकेंड, अच्छा कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो तुम लोगों को नहीं समझ आई हो अभी तक तो पूछ सकते हो। अगर कोई चीज किसी चीज में डिफिकल्टी है वो पूछ सकते हो, कोई चीज क्लियर नहीं है, क्लियर है, आगे बढ़ूं, ठीक है। अच्छा, एक्यूरेसी ऑफ फिट की बात हो रही थी कि हम एक्यूरेसी ऑफ फिट क्यों इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लिए। हमारे लिए एक्यूरेसी ऑफ फिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी फायरिंग के दौरान श्रिंकेज का प्रॉब्लम आता है, और वो श्रिंकेज का प्रॉब्लम हमें अगर अवॉइड करना है, फर्दर अवॉइड करना है। कॉम्पैक्शन से हमारे इनिशियली अवॉइड हुआ है, बट हम उस चाहते हैं कि बिल्कुल भी हमारा फिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, और जितना फिट है वो ही रहे, जो मतलब जो प्रोसेस जिस एक्यूरेसी से बनाई है उसी से बननी चाहिए, और कोई भी उसकी श्रिंकेज नहीं हो, कोई भी डायमेंशंस चेंज ना हो। तो उसके लिए हमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है करनी, कि जब हम इसको डालेंगे मोल्ड के अंदर, ये बात हो रही है कॉम्पैक्शन के बाद, ठीक है, मतलब कॉम्पैक्शन के वक्त जब आपने डाला है मोल्ड के अंदर, तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो मोल्ड लिया है उसके अंदर एक पतली सी लाइनिंग लगा दें प्लैटिनम फॉइल की, मतलब प्लैटिनम फॉइल से उस डाई को आपने लाइन कर दिया है, ठीक है। जो आपका प्रोस्थीसिस का डाई है या आपका ब्रिज है या जो क्राउन बनना है जिसका डाई रखा हुआ है वहां पे बना के, उस डाई को आपने अच्छे से लाइन कर लिया, ठीक है। अब हमने उसको लाइन किया तो क्या फायदा होगा? अगर हम उसको लाइन कर देंगे तो प्लैटिनम फॉइल से, तो क्या होगा? नंबर वन, क्लोजली अडैप्ट करके करना है, ये नहीं कि आप उसे लूजली अडैप्ट करें, उसको अच्छे से डाई जो आपने बनाया हुआ है अपने पास उस पर अच्छे से अडैप्ट कर दिया है, ठीक है। तो उससे एक्यूरेसी ऑफ फिट को वो मेंटेन करेगा, ठीक है, बाय बिल्डिंग अप द पोर्सलिन ऑन द प्लैटिनम फॉइल। फॉइल के ऊपर जब पोर्सलिन बनेगा तो वो ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि क्या होता है, जो भी हमारा डाई बना हुआ है वो बना हुआ है जिप्सम का, राइट। जिप्सम आप लोग पढ़ चुके हो, जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम में हम पाउडर के साथ लिक्विड मिक्स करते हैं। पाउडर हमारा जो जिप्सम है उसके साथ हम कौन सा लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, वाटर, राइट। और वाटर का बॉइलिंग आउट टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्रीज। 100 डिग्रीज में हमारा वाटर इवेपोरेट होता है। इवन आफ्टर सेटिंग अगर हम जिप्सम को रखेंगे फर्नेस के अंदर, सिर्फ आप जिप्सम का आप कोई भी मॉडल या
ले लो, डाई ले लो और उसको सादा रख के देखोगे तो भी आप देखोगे कि उसका साइज रिड्यूस होगा, दैट मीन्स उसमें श्रिंकेज हो रही है, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि हम जो भी अपनी क्राउन या ब्रिज बना रहे हैं वो उसी साइज का बने जितने हमारे रिक्वायर्ड है. ऐसा नहीं हो कि हमने जो रिक्वायरमेंट है उससे कम बन जाए या उससे ज्यादा बन जाए. ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि हम इसे कोई कूल एनवायरनमेंट में नहीं दे रहे. एक्सपेंशन तो तभी होगी जब कोई कूल एनवायरनमेंट, वहां पे एक हीटेड फर्नेस में इसको रख के फायरिंग करवाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी कि हमारा जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है जो कि हमारा जिप्सम है वो श्रिंक करेगा, ठीक है, जब हाई टेम्परेचर पे जाएगा ना 850-1100 डिग्री का टेम्परेचर उस पर वो श्रिंक करता है और वो श्रिंक करेगा तो हमारे फिट जो है वो लूज हो जाएगा. तो उस फिट को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे प्लैटिनम फॉइल हमारे मोल्ड के ऊपर लगा रहे हैं, राइट. अब श्रिंकेज जो है वो हमारे फॉइल के ऊपर कोई हार्म नहीं करे, क्यों, क्योंकि प्लैटिनम एक फॉइल है, एक कोई बड़ा पीस नहीं है मेटल का जिसमें हीट करने पे वो एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो या कुछ भी, सिर्फ एक पतला सा फॉइल है तो उस फॉइल पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा. श्रिंकेज डजंट कॉज एनी हार्म इन द एक्यूरेसी ऑफ फिट एज इट अकर इनवर्ट द प्लैटिनम फॉइल, मतलब जो अंदर की तरफ होती है श्रिंकेज, राइट, बट क्योंकि अंदर प्लैटिनम फॉइल है तो हमारी फिट मेंटेन रहता है. श्रिंकेज प्लैटिनम फॉइल के थ्रू नहीं होगी और प्लैटिनम फॉइल जो है वो रोकेगा हमारे मोल्ड की फिटिंग चेंज होने से, ठीक है. फॉइल डजंट अंडरगो एनी श्रिंकेज इटसेल्फ, तो फॉइल जो है वो बचा लेगा हमारे फिट को ताकि जब हम पेशेंट के मुंह में वो क्राउन या ब्रिज प्लेस करेंगे तो पेशेंट ये नहीं कहे लूज है या ये बार बार निकल ना जाए वो, ठीक है. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम मोल्ड के ऊपर लगाते हैं प्लैटिनम का फॉइल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. ये क्लियर है सबको, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज ना समझ आ रही हो तो पूछ सकते हो. ओके, नाउ बिफोर द सीमेंटेशन ऑफ द रेस्टोरेशन द फॉइल इज रिमूव्ड. अब हमने इसको सीमेंट करना है, ठीक है, हमारा फायरिंग हो गई थी, सब हो गई थी, ये पार्ट एंड में इसलिए बताया जा रहा है ताकि फायरिंग का प्रोसीजर आप लोगों को क्लियर हो और उसके बाद पता चले ये एडिड श्रिंकेज रिड्यूस करने के लिए हम फॉइल भी अडेप्ट करते हैं हमारे डाई पे, जो हमारा मोल्ड है उस पे, ठीक है ना, हमारे जो डाई बना है उसके ऊपर हम करते हैं ताकि फिट को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम जो फिट करेंगे वो उसमें कोई इशू ना आए, ठीक है. अच्छा, बिफोर द सीमेंटेशन ऑफ द रेस्टोरेशन, मतलब अब हम उसे सीमेंट करना है ना दांत के ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि वह सारी बन गई खुद ही खुद चिपक जाएगी जाके, हम उसे सीमेंट करना पड़ेगा. यहाँ पे हम जो सीमेंट यूज कर सकते हैं सीमेंटेशन के लिए वो हो सकता है ग्लास आइनोमर सीमेंट, GIC, GIC को भी यूज कर सकते हैं फॉर सीमेंटेशन. अदरवाइज हम और दूसरे सीमेंट्स आते हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम जिंक ऑक्साइड यूज कर सकते हैं और डिफरेंट सीमेंट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे डेंटल सीमेंट्स के बारे में, ठीक है. बट यहाँ पे फिलहाल बात हो रही है मोस्ट कॉमनेस्ट जो है रेस्टोरेशन को सीमेंट करने के लिए जो सीमेंट यूज होता है वो होता है GIC, ठीक है. तो हमने हल्की सी लेयर लगाई GIC की और उसको सीमेंट करा. अच्छा, अब GIC ऑब्वियसली सीमेंटेशन के लिए यूज हो रहे तो उसको भी एक स्पेस चाहिए, राइट, स्पेस रिक्वायर्ड होगी. और जो हमने हमने जो क्राउन कटिंग की है या जो हमने कटिंग करके जो मोल्ड बनाया था, मोल्ड बनाने के बाद उसके अंदर हमने जिप्सम पोर किया और हमने जो डाई या मॉडल क्रिएट किया वो तो हमारे दांत के प्रॉपर साइज का है और उसी साइज के हिसाब से हमने हमारे पोर्सलिन का क्राउन बनाया है या फॉर एग्जाम्पल क्राउन बनाया है. तो अब वो क्राउन में स्पेस कहाँ से आएगी सीमेंटेशन की, क्योंकि सीमेंट को भी तो थोड़ी सी जगह चाहिए ना, वरना सीमेंट तो ओवर मतलब जाएगा. हम अगर दांत पे सीमेंट लगाएंगे और हम अपना क्राउन प्लेस करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे बाइट करो, सारा सीमेंट निकल जाएगा तो स्टिक किस चीज से करेगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है. तो वो स्पेस जो हमें रिक्वायर्ड है सीमेंटेशन की, दैट इज 25 माइक्रोमीटर, वो आएगी हमारे फॉइल को रिमूव करने से. जो प्लैटिनम फॉइल के ऊपर हमारी रेस्टोरेशन बनी है, हमारा पोर्सलिन का क्राउन बना है, उस पोर्सलिन क्राउन के अंदर हमारा वो प्लैटिनम फॉइल लग गया है ऑब्वियसली. अब उस प्लैटिनम फॉइल को हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास 25 माइक्रोमीटर की स्पेस आ जाएगी. वो स्पेस हमारी रिड्यूस होगी सीमेंटेशन में. जब हम उस क्राउन को सीमेंट करेंगे तो वो स्पेस में हमारा सीमेंट आ जाएगा और हम उसे प्लेस करेंगे दांत पे तो हमारा सीमेंट ओवरफ्लो होके बाहर नहीं निकलेगा और ना ही उसके लिए जगह का प्रॉब्लम होगा. वो 25 माइक्रोमीटर की जो स्पेस बनी है
फॉइल को रिमूव करने से वो सिमेंटेशन करने में हेल्प होगी उससे. तो हमारी जो प्रोस्थीसिस बनी है इनडायरेक्ट, हमारी इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जो बनी है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी दांत पे, और हम रेस्टोरेशन के लिए ही ये सब कर रहे हैं, राइट. ओके, अब फाइनली ग्लेजिंग इज डन टू इम्प्रूव अपीयरेंस एंड टू रिमूव सर्फेस इम्परफेक्शंस पर्टिकुलरली पोरोसिटीज. जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, हमने प्लेटिनम फॉइल के साथ उसको बनाया, फायरिंग की, सब फायरिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, तो एंड में ग्लेजिंग होती है जो मैं अभी बता चुकी हूँ. ग्लेजिंग से क्या होता है, अपीयरेंस इम्प्रूव होती है, सर्फेस की इम्परफेक्शंस खत्म होती हैं, स्पेशली पोरोसिटीज. और पोरोसिटी अगर खत्म होगी ना तो एक स्मूथ शाइनी सर्फेस आएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है. नॉर्मल हमारे दांतों में भी तो स्मूथ सर्फेस है, कोई पोरोसिटीज नहीं है. तो यही चीज हम हमारी प्रोस्थीसिस में भी चाहते हैं, या जो हमारा क्राउन बना है उसमें भी हम चाहते हैं. तो इसीलिए हम ग्लेजिंग करते हैं, ताकि उसमें भी एक स्मूथ शाइनी फिनिश सर्फेस आ जाए. पोर्सलिन के इनलेस पहले नहीं बनते थे. क्यों नहीं बनते थे? क्योंकि अगेन फायरिंग श्रिंकेज का बहुत प्रॉब्लम. इनले मैंने बनाया था ना, बिल्कुल थिन शेल लाइक होते हैं. अब वो थिन शेल लाइक हम बना रहे हैं, उसके अंदर भी अगर श्रिंकेज होगी तो मतलब वो और रिड्यूस्ड होंगे, और वो वैसे ही थिन होते हैं तो वो अच्छा नहीं फिट आता था, ठीक है. इसलिए हम पहले नहीं बनाते थे, बट अब बनाने लगे हैं पोर्सलिन के इनलेस, क्योंकि अब कास्टेबल सिरेमिक्स आ गए हैं, उनमें श्रिंकेज नहीं होती, श्रिंक फ्री मटेरियल्स होते हैं वो. और कैट कैम जो सिस्टम है ना, उसमें क्योंकि फायरिंग का प्रोसीजर नहीं हो रहा है, वो हमारी मशीन है जो हमारा पूरा हमारे वो पूरे पोर्सलिन का क्राउन ब्रिज डिजाइन भी करेगी और बनाएगी भी, ठीक है. तो वो सिस्टम के अंदर फायरिंग नहीं हो रही डायरेक्टली, तो श्रिंकेज नहीं होगी. फायरिंग होती ही पोर्सलिन के फर्नेस में है, जिसकी वजह से श्रिंकेज का प्रॉब्लम आ रहा है. तो वो ओवरकम करने के लिए अब हम यूज करने लगे हैं कैट कैम का सिस्टम, जो कि हमारा अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो होता क्या है. बेसिकली कैट कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एक मशीन होती है, जो कि वन विजिट में हमारे क्राउन या ब्रिज को रेडी कर सकती है. और उसका फायदा ये है कि थोड़ा सा महंगा होता है, नो डाउट अबाउट इट, बट एक विजिट में हमारा पूरा क्राउन या ब्रिज तैयार हो जाता है. दूसरी चीज, जो पेशेंट आता है वो जिस तरह का शेड चाहता है वो अपनी पसंद से उस वक्त डिनर बता सकता है, एंड सेकेंडली उसी वक्त बन के वो तैयार हो जाता है और हम देते हैं. बस एक नुकसान है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और इसकी मशीन भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसकी वीडियो बनानी होती है और मशीन के अंदर फीड हो वीडियो, और वो वीडियो के थ्रू वो डिजाइनिंग करते हैं और खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि श्रिंकेज नहीं होगी कैट कैम अगर हम यूज करेंगे, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. तो यहाँ तक समझ आ गया सबको. अब ये पोर्सलिन की प्रिपरेशन का दिखा रहे हैं कि जब हम नॉर्मली जैसे हम फर्नेस में बना रहे हैं पोर्सलिन फर्नेस में, तो पहले ये देखो पोर्सलिन को वो टैप कर रहे हैं, उसे वो कंपैक्शन कर रहे हैं, उसका वो प्रोसीजर कर रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद इस तरह के फर्नेस भी आते हैं पोर्सलिन के, तो यहाँ पे ये पोर्सलिन का ये देख रहे हो मोल्ड है, ठीक है, उसके अंदर ये डिफरेंट डाइज हैं. फिर हमने ये पोर्सलिन का ये ऊपर से फर्नेस बंद होगा, डिफरेंट शेप्स और साइजेस के फर्नेसेस हो सकते हैं ना, तो इसमें ये फिर उसके बाद फायरिंग होगी, ठीक है. और यहाँ पे नीचे टेम्परेचर आएगा, यहाँ पे पायरोमीटर है तो जिसमें टेम्परेचर शो होगा, हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं. तो इस तरह से ये पोर्सलिन प्रिपेयर होगा. यहाँ तक क्लियर है, हमने फायरिंग कंप्लीट कर ली है, इससे पहले मैंने कॉम्पैक्शन रिवाइज कराई थी, ये सब क्लियर है. तो मैं आगे चलूँ, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही हो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो. कोई भी चीज़ फायरिंग कॉम्पैक्शन से रिलेटेड नहीं क्लियर हो तो अभी पूछ सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए दैट मीन्स के सब क्लियर है. तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं, ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम लोगों को सब क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, सही है, पोर्सलिन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और पोर्सलिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. ओके, सबसे पहली चीज जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है, पोर्सलिन जो है वो बेस्ट मटीरियल है इन टर्म ऑफ एस्थेटिक्स. क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट, पहली चीज तो परफेक्ट होता है रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ के लिए. इसमें हमारा प्रोस्थीसिस बनेगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा. ऐसा नहीं होगा एक्रिलिक की तरह कि थोड़े टाइम में उसका शेप चेंज हो जाए, या वो थोड़े टाइम में हमारा जो प्रोस्थीसिस होता है जिसमें एक्रिलिक के टीथ लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो वेयर ऑफ हो जाते हैं थोड़े
टाइम में, बट यहाँ पे पोर्सलिन इतनी इजिली वेयर ऑफ होता, बहुत टाइम बाद बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने से होता है, ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट मटेरियल है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ. दूसरी चीज ये है कि कम्स इन ऑल शेड्स एंड लेवल्स ऑफ ट्रांसलूसेंसी. क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है फेल्सपार और सिलिका, जो कि स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है, और फेल्सपार जो है वो डिफरेंट शेड्स दे रहा है और लेवल्स दे रहा है ट्रांसलूसेंसी के. अच्छा, अब डिफरेंट शेड्स होते हैं और डिफरेंट लेवल्स होते हैं ट्रांसलूसेंसी के, जो कि हमारे पोर्सलिन में अवेलेबल है, इसलिए भी ये फायदेमंद है हमारे लिए, और इसीलिए हम ज्यादा इसको प्रिफर करते हैं मिसिंग टीथ के लिए. अच्छा, अब जो हम डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बनते हैं उसमें कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक हमारे टूथ के पार्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है. जो थोड़ा सा ओपेक किस्म का शेड होगा, ओपेक शेड हमेशा कहाँ यूज होगा, ओपेक जो शेड होगा वो यूज होता है कोर बनाने के लिए, ठीक है, कोर बनाने के लिए. जो कि कोर किस चीज को हमारा सिग्निफाई कर रहा है, वो कर रहे हैं हमारे पल्प को. तो दैट मींस कि हम इसके डिफरेंट शेड यूज करें. अगर हमने एक भी क्राउन बनाना है तो हम इसको लेयरिंग करेंगे इसकी पोर्सलिन की, ठीक है. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओपेक शेड लगाएंगे, जिससे हमारा बनेगा पल्प का एरिया जो है उसको दिखाने के लिए. फिर उससे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट लगाइए तो वो बना देगा हमारे डेंटिन का एरिया, और फिर उसके ऊपर हमने इनेमल वगैरह बिल्कुल फाइनल कोटिंग देनी है, जो कि बिल्कुल ट्रांसलूसेंट मटेरियल की होगी, और वो जो है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है. दैट मींस हमारी शेड मैचिंग हम स्टेप स्टेप करते हैं. सबसे पहले थोड़ा ओपेक मटेरियल लगाएंगे, फिर उससे ट्रांसलूसेंट, फिर उससे ट्रांसलूसेंट. मतलब हम इसमें दो तीन शेड यूज करते हैं एक क्राउन बनाने के लिए. ऐसा नहीं है कि हमने एक शेड पोर्सलिन का लिया, क्राउन बनाया, खत्म. नहीं, हमने एक लेयर बनाई, फिर हमने उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह हमने इसकी लेयरिंग करनी होती है क्राउन बनाने के लिए, ठीक. ओके, दूसरी चीज है कि पोर्सलिन इज वेरी रिजिड एंड हार्ड, बट इट इज अ ब्रिटल मटेरियल, ठीक है. रिजिड भी है, मतलब इजीली हम ट्विस्ट एंड टर्न करने से ये ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है. हार्ड भी है, बट ब्रिटल भी है. ब्रिटल इन द सेंस कि अगर हम पोर्सलिन को लेंगे और उसको नीचे गिर हमसे गलती से, तो वो क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे उसमें, और इस ब्रिटलनेस को करने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल ऐड अप करते हैं इसके अंदर, जो मैं अभी बताऊंगी आगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, उसके बाद है सरफेस इररेगुलरिटीज, इंटरनल क्रैक्स, क्रैक्स एंड पोरोसिटीज कैन रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ. आप कैसे इसमें अगर इररेगुलरिटीज रहेंगी, जो कि हमारी अगर हमने प्रॉपरली कॉम्पैक्शन नहीं की तो उसमें इररेगुलरिटीज रह सकती हैं, और अगर पोरोसिटी रहेगी, मतलब जैसे अगर हमने नॉर्मल एनवायरनमेंट में फायरिंग की तो पोरोसिटीज बढ़ सकती हैं, प्लस हमने उसकी अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं की तो पोरोसिटी बढ़ सकती है. तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी, और स्ट्रेंथ जब अफेक्ट हो जाएगी तो वो ब्रिटल होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा ब्रिटल मटेरियल है तो ये और ज्यादा ब्रिटल हो जाता है. उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वेरिएबल है. अगर हम पोरोसिटी रिड्यूस नहीं करेंगे, इररेगुलरिटीज नहीं होंगी, तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी. अगर पोरोसिटी होगी और अगर इररेगुलरिटीज होंगी, क्रैक्स पड़े हुए होंगे, और फायरिंग के दौरान हमने प्रॉपर उसकी फायरिंग श्रिंकेज का ख्याल नहीं रखा, तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है. तो ये चीज हमने ख्याल रखनी है. यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आगे जाऊं. अगर किसी को कोई इश्यू है स्लाइड से, कुछ समझ नहीं आई है, तो मुझसे पूछ सकते हो. अगर कोई भी प्रॉब्लम है चैट में पूछ सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगी. आई थिंक सब समझ आ गया है, तो आगे चलते हैं फिर. ओके, अब इन्होंने बताया है कि फाइन ग्रेन पाउडर जो है वो प्रोड्यूस करेगा यूनिफॉर्म सरफेस को, तो हम फाइन ग्रेन पाउडर्स ही लेते हैं, और श्रिंकेज भी कम करवाता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन पाउडर्स. तो हम इसीलिए उसकी श्रिंकेज कम करने के लिए फाइन ग्रेन पाउडर्स प्रिफर करते हैं. ओके, फायरिंग एट रिड्यूस्ड प्रेशर कैन रिड्यूस पोरोसिटी, जो मैंने अभी बात की थी कि फायरिंग वैक्यूम में हो या कम प्रेशर वाले हमारे फर्नेस में होगी तो पोरोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है. बेस्ट तो है वैक्यूम में हो, क्योंकि उससे पोरोसिटी बिल्कुल 0.5% हो जाती है. ओके, मे फ्रैक्चर व्हेन क्विकली हीटेड एंड कूल. वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि हम उसे क्विकली कूल करेंगे या क्विकली हीट अप करने के लिए फर्नेस में रख देंगे, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं. क्रैक्स हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ब्रिटल मटेरियल हमने ना उसको क्विकली हीट करना है ना क्विकली कूल डाउन करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है. अगर हीट भी करना है तो पहले वार्म करना है, फिर हीट फर्नेस में रखना है,
कूल भी करना है तो पहले थोड़ी देर फर्नेस में रहने देना है, उसके बाद फर्नेस से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे फिर आप किसी ठंडे जगह पे रखेंगे कूल डाउन करने के लिए. ओके, द फॉर्मेशन ऑफ सुपरफिशियल क्रैक्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस आर अवॉइडेड बाय स्लो कूलिंग फ्रॉम द फायरिंग टेम्परेचर. जो मैंने अभी की है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो कूलिंग करेंगे ताकि उसके क्रैक्स ना बने. क्रैक्स नहीं होंगे तो ब्रिटलनेस नहीं होगी इसकी, ब्रिटलनेस अवॉइड करनी है हमने, राइट. Cracks usually arise from the inner unglazed fitting surface and propagate outward. अच्छा, अब usually materials में क्या होता है, ऊपर से crack होना शुरू होता है. कोई भी चीज हमारी अगर गिरती है तो ऊपर cracks आते हैं और फिर वो अंदर की तरफ जाते हैं. इसमें उल्टा होता है. Porcelain के अंदर क्या होता है, cracks अंदर की तरफ से propagate करते हैं और फिर outward जाते हैं. इसीलिए ऊपर से visibly हमें वो cracks नहीं नजर आ रहे होते, ना पता चल रहे होते हैं. बट हमें ख्याल रखना है कि हम बहुत ज्यादा रैपिड कूलिंग या रैपिड हीटिंग इसकी ना करें, अदरवाइज ये जो क्रैक्स फॉर्म होंगे वो हमें नजर भी नहीं आएंगे आउटर सरफेस पे, और वो बाद में हमारे जब हम प्लेस कर देंगे क्राउन या ब्रिज को तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं. ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है, तो मैं आगे चलूं. ओके, अच्छा, इट इज अब्रेशन रेजिस्टेंट. ठीक है, अब्रेशन रेजिस्टेंट मतलब कि अगर उस पर ब्रशिंग हो जाएगी, अगर हमारा कोई क्राउन लगा या ब्रिज लगा और उसमें हमने ब्रशिंग कर ली तो कुछ टूथ ब्रशिंग से वो अब्रेड नहीं होगा, या अगर कोई ऐसे फूड का पार्टिकल लगा है जो अब्रेसिव है तो उससे भी ये इसमें कोई अफेक्ट नहीं आएगा. बट कॉज अब्रेसिव एक्शन ऑन अपोजिंग टीथ, मगर अगर एक आर्च में आपके पास पोर्सलिन का क्राउन लगा हुआ है या ब्रिज लगा हुआ है और दूसरी आर्च में नॉर्मल डेंटेशन है तो उसमें क्या होगा, वो बार बार बाइटिंग और चूइंग करने से नीचे वाले जो नॉर्मल दांत हैं उनको थोड़ा सा ग्राइंड कर सकता है. तो ये इसमें है, वैसे इटसेल्फ वो वैसे ही क्योंकि हार्ड मटेरियल है तो उसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो अपोजिंग डेंटेशन है उसको वो थोड़ा सा ग्राइंड कर सकता है, मतलब उसके थोड़े कस्प ग्राइंडेड हो क्योंकि बार बार उसमें प्रेशर उसके अब्रेशन हो रहा है. ठीक है ना, कैसे हो रहा है, हम बाइट कर रहे हैं, हम चू कर रहे हैं उसकी वजह से. एक्सेलेंट थर्मल प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलर गुड थर्मल इंसुलेटर, मतलब ये थर्मल इंसुलेशन कराता है, ये कंडक्टर नहीं है इसलिए हम इससे मुंह में रख सकते हैं, मतलब मुंह में यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है इसकी वजह से हम हॉट ड्रिंक्स लेते हुए बहुत सोचें या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हुए हम इसे यूज कर सकते हैं. ये थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और थर्मल इंसुलेशन ही रिक्वायर्ड होती है ना, ताकि पल्प तक कोई हीट स्टिमुलस ना जाए और हमारा पल्प डैमेज ना हो, तो ये क्राउन के लिए बेस्ट है. ठीक है, गुड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर टफनेस, मतलब इजिली फ्रैक्चर नहीं होगा, फ्रैक्चर टफनेस इसकी अच्छी है और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ अच्छी है, मतलब ये फ्लेक्सिंग और बेंडिंग ये हो सकता है. रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, केमिकल अगर एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, या हम कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीता है तो उस पेशेंट ने भी इस केमिकल अटैक से भी इस पे इसके आउटर जो सर्फेस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बिल्कुल सही रहेगा. पोर्सलिन बायो कॉम्पैटिबल है इसीलिए हम यूज करना प्रेफर करते हैं इसको. और पोर्सलिन अंडरगो स्टैटिक फटीग. स्टैटिक फटीग क्या होता है, स्टैटिक फटीग बेसिकली ये होता है कि अगर हमारा अच्छा चलो ये मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगी स्टैटिक फटीग होता क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है पूरा उसका कि एग्जैक्टली होता क्या है और किस तरह से हमें उसे रिड्यूस करना होता है. तो ये पार्ट स्टैटिक फटीग का मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी. ठीक है, बेसिक मैं मेन आइडिया दे देती हूँ ताकि तुम लोग पढ़ लेना फिर, ताकि तुम लोग को ईजी हो जाएगा समझना. स्टैटिक फटीग ये होता है कि टाइम डिपेंडेंट डिक्रीज इन स्ट्रेंथ. ठीक है, मतलब एक चीज हमारे यूज में नहीं भी है फिर भी उसकी स्ट्रेंथ लूज होती जा रही है थोड़े टाइम बाद. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लास हैं, ठीक है, ग्लास यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ग्लास यूज कर रहे हैं थोड़े थोड़े उस पर क्रैक्स पड़े, हमें क्रैक्स विजिबल नहीं है. एक टाइम आएगा कि ये ग्लास में अगर कोई चीज नहीं भी होगी तो ग्लास फिर भी फ्रैक्चर कर जाएगा. तो ये है स्टैटिक फटीग की वजह से, क्योंकि यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम तक हम यूज करते रहे कोई चीज को तो उसमें एक स्ट्रेंथ में वीकनेस आना शुरू हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है. और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर उस पर कोई लोड नहीं भी अप्लाई हुआ हुआ और हल्का सा प्रेशर भी पड़ा दांत पे या हमारे क्राउन पे तो वो क्राउन जो है वो हमारा क्रैक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो ये होता है स्टैटिक फटीग. स्टैटिक फटीग इज बेसिकली के लोड नहीं पड़ पड़ा बट बिकॉज कॉन्स्टेंट यूज में था एक इंटीग्रियर
तो वो खुद ही ब्रेक ऑफ हो गया एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जो उसकी लाइफ थी उसने पूरी की, और उसके बाद वो फटीक होने की वजह से, क्योंकि बार बार यूज की वजह से फटीक आउट हुआ, वो फिर उसके बाद ब्रेक हो गया या उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ गई। ठीक है, तो हम ये आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि पोस्टीरियर में स्टैटिक फटीक होता क्यों है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि हम लोगों की इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद होगा। तो जहाँ तक जितना मैंने पोर्सलिन कवर कराया है, ठीक है, ये वाला चैप्टर प्रॉपर्टीज तक, वो तुम लोग पढ़ के आना। इसमें स्टैटिक फटीक वाला टॉपिक भी आएगा प्रॉपर्टीज के अंदर, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास की। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ब्लैंक होके आना, थोड़ा सा जो है ख्याल रखना कि तुम लोग पढ़ो अपनी वेकेशंस में, और ये जितना मैंने अब तक पढ़ा है उसको ज़रूर एक दफ़ा रीड करना और गो थ्रू करना, और कोशिश करना है कि तुम लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो वो मार्क कर लो, ताकि जब तुम लोग छुट्टियों से वापस आओ तो फिर फर्दर और उसको एक्सप्लेन कर सकती हो। बट अभी जो है इतना ही है, प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलमोस्ट करा दी हैं, बस स्टैटिक फटीक का थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब तुम लोग वापस आओगे उसका बात कवर कराऊंगी। अच्छा, यहाँ तक अच्छा, अभी तुम लोगों के नेक्स्ट वीक में टर्म एग्जाम्स हैं, अगर उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स आने हैं, चैप्टर टू है और अमन वाला चैप्टर है मेरा, और रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्ट फिलिंग मटेरियल्स, अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ सकते हो, मैं वो बता देती हूँ, या उसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई, नहीं क्लियर हो तो मैं उसमें हेल्प कर सकती हूँ, तो तुम लोगों को पूछना है, या अगर आज के लेक्चर में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, कोई स्लाइड नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हो। सब क्लियर है, सबको सब समझ आ गया, कोई इशू नहीं है, मतलब सब क्लैरिटी है, मतलब यहाँ तक क्लियर है ये वाला चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ, सिरेमिक्स एंड पोर्सलिन फ्यूज्ड टू मेटल जो चैप्टर 11 है, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया, राइट, और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा किसी ने, तो मैं यही सपोज कर रही हूँ कि सबको क्लियरली सब कुछ समझ आ गया। ओके, देखो जहां तक पढ़ाया था, ठीक है, वहां तक इंक्लूड, मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे नहीं, एंड आई डोंट थिंक पेपर में होगा इंक्लूडेड, क्योंकि सिरेमिक्स अभी तुम लोगों ने स्पीक ही शुरू किया है, बट जितना पढ़ा है उसको एक गो थ्रू जरूर कर लेना, एटलीस्ट जो तुम लोगों ने लास्ट वीक में जो मैंने पढ़ा दिया था, लास्ट वीक के दो जो लेक्चर्स थे उसके अंदर मैंने उसकी इंट्रोडक्शन दी थी, कंपोजिशन बनाई थी, तो वो तुम लोग ज़रूर कर लेना, एक दफ़ा देख लेना कि उसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वो देख लेना तुम लोग, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो, अगर इतना आए कि पोर्सलिन के कॉम्पोजिशन ये है तो वो भी तुम लोग ना बता सको, एटलीस्ट वो देख लेना, उसके मेन मेन जो पॉइंट्स मैंने बताए थे कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, कौन सा टाइप हम यूज़ करते हैं वो देख लो, बस इससे ज़्यादा सिरेमिक से नहीं आएगा, क्योंकि अभी सिरेमिक जो है तुम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है, मेजॉरिटी जो आएगा चैप्टर टू आएगा, क्योंकि चैप्टर टू की बहुत ज़्यादा वेटेज है, अमेलगम है तुम्हारा पूरा बड़ा चैप्टर है, उससे इन्वेस्टमेंट और कास्टिंग है तुम लोगों का चैप्टर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो देख लो, और बाकी जिप्सम और वैक्सेस तो ऑलमोस्ट को ही आता है, उसका तो ट्यूटर वगैरह भी हो चुके हैं, तो वो एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट कर लो, ओएसपी तुम लोगों के साथ डिस्कस हो चुकी है, ओएसपी में भी जो स्पॉट्स हैं वो भी डिस्कस हुए हैं, तो वो अच्छे से करके आना, क्योंकि ओएसपी मोर और लेस उसी तरह आती है जो पढ़ी जाती है, जो डिस्कस होती है उसी से रिलेटेड आती है, कोई आउट चीज़ नहीं आती, ना ही कोई ऐसी चीज़ आती है जो आप लोगों को बताई ना गई हो या समझाई ना गई हो या दिखाई ना गई हो, तो यूजुअली ओएसपी के स्पॉट्स भी उसी से, और क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस किए हुए ही, मैं तो लेक्चर में डिस्कस करती रहती हूँ, कोई क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं क्लियर होता वो भी मैं बता देती हूँ, वैसे सिरेमिक से इतना ज़्यादा नहीं आएगा टर्म एग्जाम में। अच्छा, आज के लेक्चर से तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट, तो ये तो हो गया। ओके, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, और कोई चीज़ अमेलगम से पूछनी हो, चैप्टर टू से पूछनी हो, या रिक्वायरमेंट वाले चैप्टर से पूछनी हो तो पूछ सकते हो, अगर उसमें से कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो उससे पूछ सकते हो, तो मैं उसका आंसर दे देती हूँ, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम लोगों को नहीं क्लियर हो तो मैं वो बता देती हूँ, मतलब क्लियर है, कोई मसला नहीं है,
अच्छे से सब क्लियर? चलो अच्छी बात है, अगर सबको सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है। और इनफैक्ट इससे ये होगा कि तुम लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे एग्जाम में। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म एग्जाम्स एंड आई होप ऑल ऑफ यू डू वेल। जो लेक्चर में है, जो लेक्चर में नहीं है, सब अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है? मिस नहीं करना ये चांस अपना, जरूर देना। एग्जाम एग्जाम एक तरह से आपको बताता है कि आपने कितना पढ़ लिया, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है? फिर इंशाल्लाह आफ्टर योर वेकेशन फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिरेमिक को। बट प्लीज अपने वेकेशन में एक दफा जरूर पढ़ना, सिरेमिक को एक दफा गो थ्रू करना, ताकि थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को रिवाइज रहे, ये ना हो कि जब आओ वेकेशन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।